स्वागत है दोस्तों आपका फिर से कथा संग्राम चैनल में। आज हम जानेंगे कि आखिर क्यों नहीं करना चाहिए श्री कृष्ण जी के पीठ के दर्शन। दोस्तों आप जब भी कृष्ण भगवान के मंदिर जाएं, तो यह जरूर ध्यान रखें कि कृष्ण जी की मूर्ति की पीठ के दर्शन न करें। दरअसल पीठ के दर्शन न करने के संबंध में भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण की एक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण जरासंध से युद्ध कर रहे थे, तब जरासंध का एक साथी असुर काल्यवन भी भगवान से युद्ध करने आ पहुंचा। काल्यवन श्री कृष्ण के सामने पहुंचकर ललकारने लगा। तब श्री कृष्ण वहां से भाग निकले। इस तरह रणभूमि से भागने के कारण ही उनका नाम रणछोड़ पड़ा। जब श्री कृष्ण भाग रहे थे, तब काल्यवन भी उनके पीछे पीछे भागने लगा। इस तरह भगवान रणभूमि से भागे क्योंकि काल्यवन के पिछले जन्मों के पुण्य बहुत अधिक थे और कृष्ण किसी को भी तब तक सजा नहीं देते जब तक कि पुण्य का बल शेष रहता है। काल्यवन कृष्णा की पीठ देखते हुए भागने लगा और इसी तरह उसका अधर्म बढ़ने लगा क्योंकि भगवान की पीठ पर अधर्म का वास होता है और उसके दर्शन करने से अधर्म बढ़ता है। जब काल्यवन के पुण्य का प्रभाव खत्म हो गया, कृष्ण एक गुफा में चले गए जहाँ मुचुकुंद नामक राजा निद्रासन में था। मुचुकुंद को देवराज इंद्र का वरदान था कि जो भी व्यक्ति राजा को नींद से जगाएगा और राजा की नजर पड़ते ही वह भस्म हो जाएगा। काल्यवन ने मुचुकुंद को कृष्ण समझकर उठा दिया और राजा की नजर पड़ते ही काल्यवन राक्षस वहीं भस्म हो गया। अतः भगवान श्री हरि की पीठ के दर्शन नहीं करने चाहिए क्योंकि इससे हमारे पुण्य कर्म का प्रभाव कम होता है और अधर्म बढ़ता है। कृष्ण जी के हमेशा ही मुख की ओर से ही दर्शन करें। दोस्तों ऐसी ही और रोचक पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।